السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. मैं आप सबको इस बाबरकत बामकसद और नोबल सफ़र चूज़ करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ. अहलन व सहलन मरहबन बिकुम. माशाल्लाह, मोर देन 800 पीपल ऑलमोस्ट ज्वाइन दिस कोर्स और मैं अपने रब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी आवाज़ और ख्वाहिश को आपके दिलों तक पहुँचाया. अल्हम्दुलिल्लाह बी निअमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. सुभान अल्लाह, आप सब इंतहाई खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आप सबको खुद हैंड पिक किया है इस किताब का इल्म देने के लिए. आप सब अल्लाह के खास पसंदीदा लोग हैं. कैसे? हदीस पाक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लमहु. तुम में से बेहतरीन वो है, बेहतरीन तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे, और इल्म किसका? कुरान का. वअल्लमहु, और फिर उसको आगे सिखाए. हम सब इस दुनिया के मामलात में बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं. बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन डिग्री, बेहतरीन कैरियर. लेकिन इस हदीस में काबिले गौर बात यह है कि हमारा रब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रूवल किस डिग्री, किस इल्म और किस कैरियर पर लगी है? दीन और कुरान के इल्म पर. सुभान अल्लाह. समझने की बात यहाँ पे यह है कि इस दुनिया का रिस्क ऑलरेडी फिक्स है हमारे लिए. हमारी किस्मत का रिस्क हमें मिल ही जाना है. उसके लिए हमें एक मुनासिब सी कोशिश करनी चाहिए, और असल फोकस तो हदायत, दीन और कुरान के इल्म हासिल करने पर होना चाहिए, ताकि हम अपनी आखरत की एटर्नल लाइफ में कामयाब हो सकें और अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकें. क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद यहाँ पे सिर्फ खाना पीना, ऐश करना नहीं, बल्कि क्या था? अल्लाह ताला की इबादत करना है. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रब की आवाज़ पर लबैक कहकर और इस नोबल सफ़र को ज्वाइन करके आप सब ने इस मकसद की तरफ अपना पहला कदम तो ले लिया. लेकिन हम सब जानते हैं कि इन फितनों के दौर में अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान नहीं है. शैतान इस रास्ते के हर मोड़ पर ताक लगा कर बैठा है, क्योंकि उसने अल्लाह के सामने कसम खाई और वादा किया है कि वो इब्ने आदम के दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, सामने से, पीछे से, गर्ज हर तरफ से अटैक करेगा और कोई मौका ना जाने देगा. और वो अपनी भरपूर कोशिशों में लगा हुआ है. सो उसने हर क्लास और हर होमवर्क से पहले आके आपको विस्पर करना है कि अरबी बहुत मुश्किल है,
या मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, या बच्चे छोटे हैं, या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा ज़हन बहुत कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। यकीन करें कि जब आप इन सब एक्सक्यूज़ को इग्नोर करके अपने रब के हुक्म की तरफ आएंगे, तो ये साबित करेगा कि आप इस दीन और अपने रब से मुखलिस हैं, और मुखलिसीन का अजर तो अल्लाह ही के पास है। और इसका तो शैतान ने भी इतराफ किया कि वो अल्लाह के मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर पाएगा। सेम आया जो मैंने कोट की है कि वो दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, सामने से, पीछे से, उसी सेम आया में उसने ये कहा कि लेकिन मैं तेरे मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। तो हमें इस खौफनाक और अनसीन दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह का मुखलिस होने की ज़रूरत है। इस सफ़र में हमें इखलास, सब्र, इस्तकामत और मेहनत की ज़रूरत होगी। इस सफ़र में मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आप होमवर्क को अपना पार्ट ऑफ रूटीन बना लें। और जो हमने स्टडी ग्रुप बनाए हैं, इसका भी यही मकसद है कि आप एक दूसरे से मोटिवेशन लें, अच्छे मेहनती दोस्त बनाएं जो आखिरी दम तक आपको मोटिवेट रखें इस इल्म को सीखने के लिए, एक दूसरे की मदद करें और किसी को भी गिव अप या क्विट ना करने दें। अब थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में। हम इस कोर्स में कुरान की ग्रामर सीखेंगे ना। हम यहाँ पे तजवीद सीख रहे हैं, ना ही हम कुरान की तफसीर कर रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? कुरान की ग्रामर सीखेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस स्टडी को डेडिकेशन के साथ टाइम दिया, तो विद इन वन ईयर आप खुद अपनी प्रोग्रेस महसूस करेंगे और कुरान पाक को 70% बगैर किसी ट्रांसलेशन के समझने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी वोकैबुलरी कुरान की, वोकैबुलरी कुरानी ग्रामर की, वर्ड्स की वोकैबुलरी जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में। और फिर जब आप कुरान को सुनेंगे एक साल के बाद, ये कहीं पे बात लिख लें, फिर जब आप कुरान को सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो जो दिल की कैफियत होगी वो नाकाबिले बयान होगी। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी पहचान और उसकी शुक्रगुजारी में आपकी आंखें ज़ारों कतार रोने लगेंगी, और फिर उसके हुक्मों की अताज जो है वो हमारे दिलों पे बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? मेहनत, लगन, जज्बा, जुनून। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जज्बा तो आप लोगों के अंदर बेइंतहा महसूस किया है। अभी कुछ लोग जो हैं वो क्लास से पहले, एक घंटा पहले जूम में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, तो आई कैन सी के सुभान अल्लाह आप लोगों के अंदर जज्बा है। लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत और लगन जो है वो हमें दिखानी होगी थ्रू आउट दिस कोर्स। और हमारे प्यारे रब अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाते हैं, वलाकद यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ताला यहाँ पे वादा हमारे साथ फरमा रहे हैं, और लिटरली लक़द का मतलब ग्रामर उसमें होता है लाइक का ओथ लेना, कसम खाना। तो अल्लाह सुभान व तआला यहाँ पे कसम खा रहे हैं कि कुरान बहुत आसान है, मैंने कुरान को बहुत आसान बनाया है। किस लिए? लिज़्ज़िक्री, इसके जिक्र करने के लिए। और ये यहाँ पे जिक्र से मुराद कुरान की रेसिटेशन भी हो सकती है, कुरान की तजवीद हम सीखते हैं, कुरान की तफसीर हम सीखते हैं, और कुरान की लैंग्वेज जो आज हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं, ये सब जिक्र में शामिल होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इस कुरान की का जिक्र जो है वो बे इंतहा आसान बनाया है। फहल में मुद्दकिर, और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे हम सबको बुला रहे हैं, कोई है जो एक थोड़ी सी एफर्ट इसके अंदर डाल ले? अब ये सारी चीज़ें, ये जो मैं थोड़ी सी एफर्ट यहाँ पे बता रही हूँ, ये सब बलागा पॉइंट हैं, ये सब जो हैं वो ग्रामर
जब हम सीख लेंगे, जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो मैं इसाया को आप लोगों के साथ गो थ्रू होंगी और आपको बताऊंगी कि क्यों ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे जो चीजें डाल रही हूँ कि थोड़ी सी एफर्ट डालो, वो कहाँ से आ रहा है। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे रब का वादा है हमसे कि उसने कुरान को आसान बनाया है और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ग्रामर इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई फ्रूटफुल जो है वो इंशाल्लाह इसका आस्पेक्ट है। तो इस अल्लाह ताला के इस वादे पे तवक्कल करते हुए, इस अज़म के साथ हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि हम मेहनत, लगन और जज्बे के साथ इस कोर्स को, इस कुरान के सफ़र को इंशाल्लाह इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। और आखिर में मैं अपनी वॉलंटियर टीम की भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंतहाई खुश दिली के साथ आगे बढ़कर इस बाबरकत काम में अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ताला मेरी टीम को और आप सबको, मेरे सब स्टूडेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब स्टूडेंट हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, आप सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे और आप लोगों के वक्त, सेहत, कोशिशों और ईमान में बरकत डालता चला जाए और हम सबको अल्लाह ताला अहलुल कुरान में शामिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसके साथ ही अब हम इंशाल्लाह अपना लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। और हम जो है वो कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, हम ड्रीम जो कि उस्ताद नुमान अली खान ने जो है ना वो कंपाइल किया हुआ है ये कोर्स, और इंतहाई लाइक द रिजल्ट्स आर 100% हैं इस कोर्स के। तो इंशाल्लाह उस सिलेबस को हम इंशाल्लाह करेंगे, और बुक्स मैंने जो हैं वो हमारे गूगल ड्राइव में भी मौजूद हैं और हमारे ग्रुप्स में भी शेयर की गई थी ये बुक्स, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। लेकिन ये बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो उर्दू में, किसी ने जो है ना वो वॉलंटियर ने उसको उर्दू में कन्वर्ट किया था और वो भी मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो इसम के बारे में है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इस कोर्स में सीख क्या रहे हैं, हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। बेसिक अरेबिक ग्रामर कंटेन्स टू मेन साइंसेस। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं इंग्लिश में ये कोर्स पढ़ाती रही हूं और ये उर्दू में मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है, और मैं कोशिश करूंगी कि जहां जहां मुनासिब है मैं उसको उर्दू में कन्वर्ट करूं, उर्दू में ट्रांसलेशन उसकी लिख दूँ, लेकिन मैं 100% अपने इनको लेसन्स प्लान्स को उर्दू में नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि और मैं जानती हूं कि इवन आप लोग भी उर्दू टू मच जो है वो कुछ लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाती है। तो इंशाल्लाह यहाँ ये लेसन प्लान जो हैं वो मिक्स एंड मैच होंगे इंग्लिश और उर्दू का, और आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड इन उर्दू, लेकिन मोस्टली मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आपको राइटिंग समटाइम्स जो है वो इंग्लिश में नज़र आएगी। सो बेसिक अरेबिक ग्रामर में टू मेन साइंसेज होती हैं, कौन कौन सी, नहू और नहवुन। द असल रियल वर्ड जो है वो नहवुन है, लेकिन मोस्टली उसको नहू नहू बोला जाता है। सो नहवुन जिसको हम कहेंगे कि ये स्टडी ऑफ ग्रामर है, और हाउ डू वर्ड्स प्ले विद ईच अदर, इस ग्रामर में, स्टडी ऑफ ग्रामर में, नहवुन में और नहू में हम क्या सीखेंगे कि एक जुमले में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, राइट, ये वर्ड्स आपस में इनका क्या ताल्लुक होता है और ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ये हम, ये साइंस जो है वो कहलाती है नहवुन। फिर दूसरी साइंस है उसको कहते हैं सर्फ,
और सर्फून। सर्फ क्या होती है? ये एक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स होती है, और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ डू वी क्रिएट डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड। सो सुभान अल्लाह, सर्फ इज सो अमेजिंग कि आप एक वर्ड अगर आपको पता हो उससे आप हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हैं, और इसका मतलब है कि वो उन सब हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होंगे, क्योंकि सिर्फ आपको एक वर्ड के मीनिंग पता थे। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं वर्ड इल्म, इल्म का मतलब नॉलेज होता है, राइट? इल्म जो है वो बेसिकली हम उसको एक पैटर्न में कहते हैं आलिमा, ये इसका पास्ट टेंस हो जाता है। फिर हम फिर उसको हम प्रेजेंट टेंस में भी चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं या आलमू इल्म और इल्मन, देन आलिम हमें पता है, राइट? मालूम, तालीम, मौलिम, अलूम और इलामा। सो ये तो जस्ट फ्यू वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन एक रूट वर्ड से आप जो है वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं, और आपको डिक्शनरी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्ट आपको एक लफ्ज एक रूट उसके मीनिंग पता है, तो यू वुड बी एबल टू नो इन सब के मीनिंग्स आपको पता होंगे, क्योंकि वो उनका आपस में ताल्लुक है। तो दिस इज कॉल्ड सर्फ। सो वन मोर टाइम मैं उसको रिपीट कर दूं कि बेसिक अरेबिक ग्रामर में टू साइंसेज होती हैं, कौन कौन सी? नहवुन एंड सर्फुन। सो लेट्स से थ्री टाइम्स, नहवुन एंड सर्फुन, नहवुन सर्फुन, नहवुन सर्फुन। नहव क्या होती है? ये स्टडी ऑफ ग्रामर है, और इसमें हम ये सीखेंगे कि एक ही जुमले में मौजूद डिफरेंट वर्ड्स हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड नहवुन। एंड सर्फुन जो है वो एक वर्ड की इंडिविजुअल स्टडी आप समझ लें। सो एक ही वर्ड को हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वर्ड को डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के उनसे डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सर्फ। ओके, नाउ हम सब जानते हैं कि हर लैंग्वेज, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, फारसी हो, एनी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं, राइट? सबसे पहले अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? हमारे उसमें उर्दू में भी और अरेबिक में भी वी हैव अलिफ बा ता सा जीम हा खा, राइट? दीज आर ऑल अल्फाबेट्स। हमारे इंग्लिश में ए बी सी डी होते हैं। फिर इन्हीं अल्फाबेट्स से हम क्या करते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो हमने कुछ बीच में से इन अल्फाबेट्स में से कुछ हर्फ वो लेटर लिए और हमने उनको वर्ड्स में चेंज कर लिया, लाइक हम किताबुन, राइट? और यहाँ पे बुक हो गया। फिर वर्ड्स जो हैं, फ्यू वर्ड्स कैन कम टुगेदर और क्या होगा कि वो फ्रैगमेंट बनाते हैं, राइट? और फ्रैगमेंट क्या होती है? फ्रैगमेंट लेस देन अ सेंटेंस होती है, लाइक बेटर देन अ वर्ड, क्योंकि वर्ड तो जस्ट एक वर्ड होता है, राइट? लेकिन फ्रैगमेंट में फ्यू वर्ड्स होते हैं, तो वो कुछ थोड़ी सी बेटर सेंस बना रहे होते हैं किसी चीज की, लेकिन स्टिल दे आर नॉट सेंटेंसेस, स्टिल वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे होते, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ इन द मस्जिद, फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद, राइट? तो इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, सो इसको हम कहेंगे ये फ्रैगमेंट है। फिर फ्रैगमेंट्स जो हैं वो मे बी टू थ्री फ्रैगमेंट्स, दे कैन कम टुगेदर और वो जो है ना सेंटेंस बना सकती हैं, राइट? जैसे हम कहते हैं हाजा मस्जिदुन, दिस इज अ मस्जिद, सो ये कंप्लीट सेंटेंस है। सो क्या होती है बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज? क्या है? सबसे पहले अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रैगमेंट्स बनाती हैं, फ्रैगमेंट्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं, एसेज बनते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ एनी लैंग्वेज वर्क।
ओके मूविंग ऑन, अब हम अरेबिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरेबिक. सो सुभान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह के हम कुरान पाक खोलें तो उसमें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, राइट. लेकिन खुशखबरी क्या है हम सब के लिए कि डजंट मैटर कितने वर्ड्स हैं, उनकी सिर्फ थ्री काइंड्स हैं. तो हम इजीली उनको स्पॉट कर सकते हैं कि ये इसम है, ये फेल है और ये हर्फ है. सो कितनी किस्म के वर्ड्स हैं अरेबिक में? थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स. इंग्लिश में एट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, राइट. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आठ नहीं मेमोराइज करने, बल्कि अरेबिक में हमें सिर्फ तीन जो है वो मेमोराइज करने हैं. अच्छा, क्या हैं ये तीन काइंड्स ऑफ वर्ड्स? क्या हैं? इस्मुन, फेलुन एंड हर्फुन. इस्म, इसकी ट्रांसलेशन की जाती है इंग्लिश में एज ए नाउन. और नाउन हम जानते हैं, नाउन इफ आई रिमेम्बर माय चाइल्डहुड तो ये याद किया करते थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, दैट्स ऑल. ये इतनी, ये तीन चीजें सिर्फ हम इंग्लिश के नाउन में शामिल करते हैं. लेकिन हमारा इसम इन अरेबिक इज मोर देन दैट. तो हम ट्रांसलेशन तो इसम की इंग्लिश में एज ए नाउन उसको कहते हैं, लेकिन एज ए अरेबिक स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि इसम जो है इज मोर देन अ नाउन. ठीक है, तो ये याद रखना है हमने कि हम इसम को एग्जैक्टली नाउन से नहीं तशबीह दे सकते, दैट वुड बी रॉन्ग. लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है उसको कोई और नाम देने की, इसलिए हम उसको नाउन का नाम दे रहे हैं. लेकिन इसम इज अ बिगर कैटेगरी वी कैन से. ठीक है, और इसम की क्या डेफिनेशन अरेबिक में होगी कि इसम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. अब ये यहाँ तक तो हो हमारा वो नाउन भी है. जो एक्स्ट्रा है वो है आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर. और इस मोर को अभी हम और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे इस ये लिस्ट जो है वो बड़ी होती चली जाएगी. सो वन मोर टाइम, इसम क्या है? इसम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर. ये डेफिनेशन आपने इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और उर्दू में भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगी. तो अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में कर लें. तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसम, हम कह रहे हैं कि इसम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. एग्जाम्पल क्या होगी पर्सन की? जैनब, अली, उमर, अहमद, राइट. दीज आर पर्सन और ये नाउन है. फिर प्लेस की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इंडिया, पाकिस्तान, कैनेडा, राइट, मस्जिद और ये सब जो है ना वो एग्जाम्पल प्लेस की हो गई. थिंग की क्या हो सकती है? टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, राइट, दीज आर ऑल थिंग्स. आइडिया, अब आइडिया क्या है? आइडिया इज समथिंग जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, राइट. और अमन, लाइक पीस, दैट कैन बी एन आइडिया. ऑनेस्टी, राइट, दैट कैन बी एन आइडिया. और इस्लाम भी एक आइडिया है, ठीक है. और हैप्पीनेस, खुशी, गमी, ये सब जो हैं वो आइडियाज हैं. और आइडिया को हम अनदर नेम भी दे सकते हैं कि ये समटाइम्स ये नाम होता है किसी काम का, ठीक है. फॉर एग्जांपल पढ़ना एक काम है, तो पढ़ाई क्या होगा? आइडिया है पढ़ाई, उस काम का नाम है, राइट. तो वो इसमें आ जाएगा. फिर एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें हम किसी को किसी भी ना चीज जगह को डिस्क्राइब करते हैं, राइट. सो समवन इज टॉल, समवन इज शॉर्ट, समवन इज ब्यूटीफुल, ऑल दीज वर्ड्स क्या हैं? ये एडजेक्टिव हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन कर डिस्क्राइब कर रहे हैं.
फिर होता है एडवर्ब. एडवर्ब क्या है इसकी, लाइक जैसे ये वर्ब यहाँ पे बता रहा है कि ये वर्ब या काम को एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम खुशी से हुआ या कोई जो है ना वो जोर से चीखा, राइट. सो ये सब जो है ना बता रहा है कि ये काम कैसे हुआ. और इंग्लिश में तो इसकी हम इसको मोस्टली स्पॉट करते हैं कि ये एंड ऑन एल वाई, लाइक क्विकली, राइट, स्लोली, ईजीली. सो ऑल दीज वर्ड्स क्या हैं, ये एडवर्ब हैं और ये भी हम किसकी कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसम की कैटेगरी में डाल रहे हैं अरेबिक में. एंड मोर एंड इंशाल्लाह, एज आई सेड कि ये जब हम मजीद पढ़ते चले जाएंगे तो ये मोर की लिस्ट हमारे आगे खुलती चली जाएगी. सो इसम की डेफिनेशन क्या है, इसम, इसम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर. ये हमने मेमोराइज करनी है थ्रू आउट द वीक. सेकेंड जो वर्ड है, हम सीख रहे हैं कि अरेबिक में कितनी किस्म के वर्ड्स हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, इसम, और सेकंड कैटेगरी क्या है, फेलून, वर्ब. और अगेन हम फेल को वर्ब से ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन वर्ब जो है इंग्लिश में इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. हम कहते हैं टू ईट, राइट, टू ईट, टू गो. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन अरेबिक में जब कोई फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ नासारा, ये एक फेल है, राइट, और नासारा का ट्रांसलेशन हम करते हैं ही हेल्प्ड, ये पास्ट टेंस है और उसकी ट्रांसलेशन होगी ही हेल्प्ड. अब ही हेल्प्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है, राइट, लेकिन जो वर्ब होता है इंग्लिश में वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता. तो अगेन हम फेल को कह रहे हैं कि वो वर्ब है, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई वर्ड नहीं है उसको ट्रांसलेट करने के लिए. लेकिन एज ए ग्रामर स्टूडेंट, अरबी के ग्रामर स्टूडेंट के होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फेल जो है इज अ बिगर कैटेगरी. ठीक है, तो उसको अनफॉर्चुनेटली हम उसको ट्रांसलेशन तो वर्ब की दे रहे हैं लेकिन वो मोर देन अ वर्ब है क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. और फेल क्या है, इसकी डेफिनेशन हम याद करेंगे कि फेल इज समथिंग दैट इज स्टक इन टाइम, क्योंकि हमें पता है कि फेल पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, राइट, ये सारे टेंस उसमें मौजूद होते हैं. तो हम इसको कह सकते हैं कि फेल इज समथिंग दैट इज स्टक इन टाइम. नंबर थर्ड कैटेगरी है हर्फ, प्रेपोजिशन. सो अगेन हम उसको ट्रांसलेशन तो प्रेपोजिशन की दे रहे हैं लेकिन इंग्लिश के प्रेपोजिशन वेरी लिमिटेड हैं, जो हमारा उर्दू के जो हर्फ हैं दे हैव अ लॉन्गर कैटेगरी. ओके, सो हर्फ क्या होता है, हर्फ इज समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ अनलेस सम फेल और इसम कम्स विद इट. तो एक हर्फ वो होता है कि वो खुद ब खुद अकेला बाय इटसेल्फ डज नॉट मेक सेंस अनलेस कुछ ना कुछ उसके साथ अटैच हो, तो तब वो सेंस बनाना शुरू करता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुझे जो है वो एयरपोर्ट जाना है और मैं एक टैक्सी कॉल करती हूँ और मैं उसको जस्ट कहती हूँ टू टू टू, इवन दो आई रिपीट इट 100 टाइम्स, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ. अनलेस आई से दैट टू द एयरपोर्ट, राइट. तो जब मैं टू द एयरपोर्ट कह रही हूँ तो मैंने टू के साथ जो है वो क्या अटैच किया, एक इसम अटैच कर दिया, राइट, एंड नाउ इट इज मेकिंग सेंस. सो हर्फ जो है वो खुद बाय इटसेल्फ डज नॉट मेक सेंस अनलेस हम उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच करें, या तो इसम अटैच कर दें या फेल अटैच कर दें, तो तब वो सेंस बनानी शुरू करता है. सो दैट इज हर्फ. सो अल्हम्दुलिल्लाह, वन मोर टाइम लेट मी रिपीट दैट के हम सीख रहे हैं कि अरबी में वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितनी किस्म के हैं, तीन किस्म के हैं. कौन कौन से हैं, इस्मुन, फेलुन एंड हर्फुन.
सो लेट्स से इट थ्री टाइम्स कि अरबी में अल्फाज जो हैं वो ओनली तीन किस्म के हैं, इस्मुन, फेलुन एंड हर्फुन। और अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेशन हमने इसकी कर ली है, तो अब आपने इसम, फेल और हर्फ इन तीनों की डेफिनेशंस को भी याद करना है। मूविंग ऑन, ओके, नाउ ये हमारा उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है, तो जो लोग उर्दू में कंफर्टेबल हैं वो उर्दू में ये सीख सकते हैं। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम कि अरबी में अल्फाज जो हैं वो तीन किस्म के हैं, और इसम, फेल और हर्फ ये तीन हैं। इस्मुन क्या है? किसी भी शख्स, जगह, चीज और किसी भी शख्स, चीज और जगह के नाम को, मस्तर को। अब मस्तर जो है, जो हम ख्याल, जो आइडिया हम कह रहे थे, उसकी ट्रांसलेशन हम एज ए मस्तर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एज वी गो हम सीखेंगे कि मस्तर क्या होता है। और मस्तर बेसिकली काम का नाम होता है, जैसे मैंने अभी कहा, बताया कि पढ़ना जो है वो एक काम है, जब हम उसको कहते हैं पढ़ाई लिखाई, तो ये क्या है, ये उस काम का नाम हो गया और इसको हम मस्तर कहते हैं। या ये कोई ख्याल भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, राइट, और ऑनेस्टी और अमन, इस्लाम, ये सब ख्याल है। या ये इसम सिफ्त भी हो सकता है, मीनिंग ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, हम कहते हैं खूबसूरत परिंदा, राइट, तो ये खूबसूरत वर्ड क्या कर रहा है, परिंदे को डिस्क्राइब कर रहा है। या हम कहते हैं कि एडवर्ब भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि जोर से, उसने जोर से दरवाजा बंद किया, राइट, तो जोर से जो क्या है, ये फेल का के मुतालिक बता रहा है कि फेल कैसे हुआ, इसको हम एडवर्ब कहेंगे। या खामोशी से, वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ, राइट, सो खामोशी से, ये भी एडवर्ब है। तो ये सब इसम की कैटेगरी में हम शामिल करेंगे। फिर फेल किया है हमने, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि फेल जो है वो टाइम में स्ट्रक होता है, राइट, उसमें जो है वो हाल, मादी और मुस्तकबिल, ये तीनों जमाने पाए जाते हैं, इसको हम फेल कहते हैं। और फिर हर्फ क्या होता है कि हर्फ खुद बखुद डजंट मेक एनी सेंस, ऐसे अल्फाज जिसके अपने कोई मानी नहीं होते बल्कि किसी इसम या फेल के साथ जुड़कर बामानी बनता है, हर्फ कहलाता है, राइट, उर्दू में, या इसमें सॉरी, या उर्दू में इट विल बी पर और से एंड में, सॉरी, ठीक है। तो ये सब जो हैं वो हर्फ की एग्जांपल्स हैं। अब ये यहाँ पे हमारे एक वॉलंटियर ने इसकी डेफिनेशंस को हमारे लिए जो है ना वो एक पोस्टर की सूरत में यहाँ पे किया, तो उनके लिए दुआ करें, मैं अल्लाह ब्लेस हिम, और हम यहाँ से भी इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश में है ट्रांसलेशन, सेम आइडिया, एक्सप्लेनिंग व्हाट इज इसम, व्हाट इज फेल एंड व्हाट इज हर। तो जो लोग उर्दू सॉरी इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब हम जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है कि इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, या हर्फ क्या होता है। तो आप लोगों ने अब एक काम करना है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस क्लास में इस वक्त, तो मेक श्योर कि आपकी सराउंडिंग जो है वो लाउड नहीं है, यानी आप किसी क्वाइट रूम में बैठे हुए हैं तो तब तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे लिविंग रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे और फैमिली मेंबर्स और ये बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो अपने हैंड रेज कर दें, तो हमारे को होस्ट जो हैं वो आपको अनम्यूट कर देंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक या दो पर्सन एट अ टाइम कैन पार्टिसिपेट, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्मूथ रहे। ओके, सो लेट्स सी, पहला वर्ड है मेज। आपका क्या ख्याल है, मेज इसम है, फेल है, या हर्फ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुझे अनम्यूट किया गया है, मैं बोलूं? जी बोलें। इस्म, इस्म है। ओके, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये इसम की?
हम कहते हैं कि वो चीज, जगह, नाम, तो ये किस में फॉल कर रहा है? थिंग, थिंग में फॉल कर रहा है. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन है जोर से. इसम फेल और हर्फ? इसम. इसम कैसे? ये एडवर्ब है. वेरी गुड, एडवर्ब है. ये बता रहा है कि काम कैसे हुआ. काम कैसे हुआ. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज एडवर्ब. आराम से. जी, ये भी एडवर्ब है. ये भी वेरी गुड. ये भी इसम की कैटेगरी में आएगा. ये एडवर्ब है. ये भी बता रहा है कि काम कैसे हुआ. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, फिर है मक्का. इसम प्लेस. इसम हाउ. प्लेस है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज अ प्लेस. मुल्क. मक्का. नेम ऑफ द प्लेस. नेम ऑफ द प्लेस. सो ये भी इसम हो गया. ठीक है. बिल्लियां. मुल्क प्लेस. बिल्लियां इज अ प्लेस. बिल्लियां इसम है. एनिमल. यस, बिल्लियां जो है वो इसम की कैटेगरी में आएगा. आप इसको यानी पर्सन उसमें ले सकते हैं. राइट. ओके, फिर अमन. अमन क्या? अमन इसम है. आइडिया. वेरी गुड. ऊपर. ऊपर क्या? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे? Oh, sorry. It's her. Sorry. Yeah. It's her. Preposition. Yeah. Preposition. Exactly. This is a preposition, right? Yeah. So ये इसम की कैटेगरी में आ रहा है. Yes. Preposition. Exactly. Okay. फिर है झूला. झूला is a thing. Is a thing. तो ये इसम की कैटेगरी में. इसम के अंदर झूला जो है वो thing है, चीज है. Exactly. पाकिस्तान. Isam place. Isam place. Very good. Pakistan zindabad. I love Pakistan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Phir hai par. Isam. Isam kisne bola hai? Kaan pakad lo, kisne bola hai isam? Harf. Harf hai ye. Okay. Par is harf. क्योंकि पर हम अगर आप पर करती रहे. डज दैट मेक सेंस? सो दिस इज हर्फ. ओके, लंबा. एडजेक्टिव. लंबा इज एडजेक्टिव. ये कहाँ पे जाएगा? किस कैटेगरी में? फेल और हर्फ. एडजेक्टिव. इसम में आएगा और ये एडजेक्टिव है. वेरी गुड. आजादी. आजादी. आजादी इसम. आजादी इज इसम. वेरी गुड. और कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? आइडिया. आइडिया में. वेरी गुड. आइडिया. केक. थिंग. इसम में. केक इसम. वेरी गुड. मुस्कराता है. एडजेक्टिव. No. How it is adjective? Fail. This is a fail. Fail. So it is fail. A fail. Tense की बात हो रही है. ता है. ये tense है. मुस्कराता है. Tense है. मुस्कराता. जी. Fail है ये. इसमें time से link है. Very good. So this is fail. America. इसम. इसम है. ये place. नाम है. Think place के नाम. Say. Harf. Say जो है ये. Harf. Not harf. Kya word hai? Harf. Harf. Okay. Harf. Okay. Surf. Isam mein aayega. Isam mein aayega kyunki ye color hai, right? Name of a color hai. To ye isam ho gaya. Likh raha tha. Fail. Fail ho gaya. Khushi se. Ye bhi fail hai. Fail. Fail rahega ye bhi. Ism. How? Khushi se. आइडिया. नो. मैंने खुशी से खाना खाया. इसम एडजेक्टिव.
एडवर्ब है, ये बता रहा है कि काम कैसे हुआ, राइट, काम कैसे हुआ, सो दिस इज एडवर्ब, खुशी से या हैप्पीली, सो दिस इज एडवर्ब. इसम का हर्फ नहीं होता, क्या होता है, हर्फ. ओके, सोया था, फेल हो गया, तक हर्फ हो गया, घर इसम, हाउस, पूल इसम, इसम. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई एम होपिंग के एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज इसम, व्हाट इज फेल एंड व्हाट इज हर्फ. ओके, मूविंग ऑन, ये यहाँ पे अब मैंने इंग्लिश में भी ड्रिल रखी हुई है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में इसको करेंगे. अगर हमारे पास टाइम हुआ क्लास के बाद तो फिर इंशाल्लाह वी कैन डू इट टुगेदर, लेकिन अदरवाइज आप लोग खुद इसको कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि अभी हमारे पास इतनी एनफ वोकैबुलरी नहीं है कि हम कुरान खोलें और हमें पता चल जाए कि ओके ये इसम है, ये फेल है और ये हर्फ है, राइट. तो एक इजी एंड क्विक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि हम इसम को कैसे पहचान सकते हैं. क्या टिप है ये, सबसे पहले कि अगर आप कुरान खोलें और आपको किसी वर्ड के ऊपर दो तनवीन, मीनिंग दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसको तनवीन बोलते हैं, राइट, अगर आपको किसी भी लफ्ज के आखिर में तनवीन नजर आए, और तनवीन का क्या मतलब होता है, दो पेश, दो जबर और दो जेर, राइट, अगर आपको ये नजर आए किसी भी लफ्ज के आखिर में, तो आंख बंद करके आपने समझ जाना है कि ये इसम है, ठीक है. इवन दो आपको मीनिंग्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आप उसको इजीली पहचान लेंगे इस तरीके से. सेकेंडली, अगर आप एक वर्ड कुरान पाक में देखती हैं जो ता मरबूता पे एंड हो रहा है, उसके आखिर में क्या है, ता मरबूता, इसको क्या कहते हैं, ता मरबूता कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं मुस्लिमतुन, मुस्लिम लेडी, ये ता मरबूता, इसको किसी भी लफ्ज के आखिर में आप ये देखेंगी तो अगेन विद आईज क्लोज यू नो दैट दिस इज इसम. थर्ड क्लू है कि अगर आप एक लफ्ज देखती हैं कुरान पाक में और उससे पहले अल लगा हुआ है, ओके, अल कहाँ पे लगा हुआ है, इन द बिगेनिंग, वो अगर जब ये आप अल देखेंगी तो यू शुड नो कि दिस इज एन इसम, ठीक है. वेरी इजी थ्री क्लूज टू फाइंड एन इसम क्या है. एक दफा दोबारा रिपीट मैं कर दूं कि अगर एक लफ्ज के आखिर में तनवीन हो, और तनवीन का मतलब क्या होता है, दो जबर, दो जेर और दो पेश, या वो ता मरबूता पे एंड कर रहा हो, या उसकी शुरू में अल लगा हुआ हो, तो वो एक इसम होगा. ये इसम की वेरी इजी एंड क्विक पहचान है आप लोगों के लिए जिनके पास अभी एनफ वोकैबुलरी नहीं है. ओके, मूविंग ऑन, अब हमने ये देख लिया कि अरबी में अल्फाज जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, इस्मुन, फेलुन, हर्फुन, राइट. अब हम जो हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में भी, आई डोंट नो, 5-4 क्लासेस विल बी कीप टॉकिंग अबाउट इसम. हम ना फेल की बात करेंगे, ना हम हर्फ की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसम की बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसम के बारे में सीख रहे हैं, और इसम क्या है, हर इसम की चार खसूसियात होती हैं. ये गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी के कितने व्हील होते हैं, 4, राइट, और अगर इनमें से कोई एक मिसिंग हो, क्या गाड़ी चल सकती है, नहीं, राइट. तो इस गाड़ी से आप याद रखें कि हर इसम की चार खसूसियात होती हैं, ठीक है. जब भी आप कोई एक इसम देखेंगी तो इंशाल्लाह सून हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसकी ये चार खसूसियात
देख सकें कि ये क्या क्या है। अब इन चार खसूसियात में क्या है, सबसे नंबर वन, मैं उर्दू इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो दैट इज स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। ठीक है, हर इस्म की कितनी खसूसियात हैं, चार, और उनको हमने कैसे याद करना है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, थ्री टाइम्स, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। और उर्दू में आप क्या कहेंगी, आप उसको जस्ट कह सकती हैं एराब और एराबी हालत, राइट, वट एवर इज कम्फर्टेबल। सो आप उसमें उर्दू में आप या अरेबिक, नॉट उर्दू, इन अरेबिक में आप कहेंगी एराब, अदद, जींस, किस्म, एराब, अदद, जींस, किस्म, एराब, अदद, जींस, किस्म। हर इसम की कितनी खसूसियात हैं, चार खसूसियात हैं, कौन कौन सी, एराब, अदद, जींस एंड किस्म। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एराब क्या होता है। सबसे पहला जो है वो एराब है, और एराब जो है इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स लाइक अ लॉन्ग सब्जेक्ट, तो इंशाल्लाह हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो एराब के बारे में बात करती रहेंगे, हम अभी अदद, जींस और किस्म को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि ये है क्या, एराब क्या होता है। एराब बेसिकली हमने अभी आप, मैंने आपको बताया कि जो एक इसम होता है, इसम के आखिर में तनवीन होती है, राइट, दो जबर हो सकते हैं, दो पेश हो सकते हैं, या दो जेर हो सकती है, राइट, हम ये एक इसम की पहचान भी उसको हम देख रहे हैं, राइट, तो इसको बेसिकली हम एराब कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगी किताबुन, ठीक है, किताबन, समटाइम्स ये ही सेम वर्ड है, किताबुन जिसका मतलब है एक किताब और आ बुक, राइट, सेम वर्ड किताबुन, समटाइम्स हम उसको देखेंगे एज ए किताबन, और ट्रांसलेशन सेम हम उसको कहेंगे आ बुक, ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो दो जब पेश ले रहा है और यहाँ पे वो दो जबर ले रहा है। और एक और चीज नोट करें कि जब हम यहाँ पे किताब पे दो पेश थे तो ये किताब जो है ना वो बा जो है वो जस्ट सिंपल बा है, लेकिन जब हमने दो जबर इसके बा के ऊपर डाले तो क्या हुआ, हमें उसके साथ एक अलिफ ऐड करना पड़ा, राइट, सो ये काइंड ऑफ एक रूल है कि जब भी आप किसी भी इसम के ऊपर दो फतहा डालेंगे तो हमेशा आपको उसके साथ एक अलिफ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कलमुन, राइट, क्या मतलब है कलमुन का, एक पेन। अब ये जो है वो दो पेश हैं, इट्स फाइन, लेकिन जब ही मैं इसके ऊपर दो जबर डालना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मीम के साथ मुझे एक अलिफ अटैच करना पड़ेगा, और इस, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट कलमुन, सॉरी कलमन। और अगेन अगर मैं दो जेर डालना चाहती हूँ तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कलमिन, सो कलमुन, कलमन, कलमिन, ठीक है। तो ये एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी हमने दो फतहा किसी भी इसम के साथ डालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलिफ उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब ये क्यों होता है, ये इंशाल्लाह भी हम देखेंगे, ठीक है, कि क्यों हम उसको, ट्रांसलेशन तो हमसे ही सेम कर रहे हैं, एक किताब, राइट, किताबुन, एक किताब, किताबन, एक किताब, किताबिन, एक किताब, लेकिन क्यों यहाँ पे दो जबर, सॉरी दो पेश हैं, यहाँ पे दो जबर है और यहाँ पे दो जेर है, ये क्यों होता है, तो ये हमारा इंशाल्लाह आज का लेसन है, हम ये सीखेंगे। तो ये कहलाता है इराब। अब सेकंड हम कह रहे हैं अदद, सेकंड खसूसियत इसम की क्या है, अदद। अब अदद जो है वो
अरेबिक में तीन तरह के होते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में या तो हमारे पास सिंगुलर होता है, हम कहते हैं बुक, और फिर हम कहते हैं बुक्स, राइट। लेकिन इन अरेबिक हमारे हम जो है वो हमारे पास सिंगुलर होता है, फिर हम उसको अगर हमें दो चीजों के लिए रेफर करना है तो हम उसके लिए एक और ड्यूल यूज करते हैं, और फिर अगर दो से ज्यादा हैं तो तब हम जाके प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। तो वन मोर टाइम, नंबर जो है इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर है और प्लूरल है, इवन उर्दू में भी, राइट। हमारे हम सिंगुलर एक वर्ड होता है और फिर हम उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अरबी में एक वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, फिर उसका पेयर भी हो सकता है, ड्यूल भी हो सकता है, यानी दो के लिए एक डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया, सुभान अल्लाह। और फिर तीन के लिए, तीन और उससे ज्यादा के लिए जो है वो हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज अदद। फिर जींस, जींस क्या है, हमें पता है कि जींस जो है वो लाइक इन अरेबिक जो है वो अल्फाज दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मैस्कुलिन होंगे या फेमिनिन होंगे, ठीक है। तो जींस जो है वो इज टॉकिंग अबाउट के अरबी में अल्फाज जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और डिटेल इंशाल्लाह हम सीखेंगे जब हम यहाँ पहुंचेंगे। फिर उसके बाद किस्म, अब किस्म से क्या मुराद है कि अल्फाज जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। ये हम उर्दू में भी जानते हैं कि कॉमन एंड प्रॉपर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आ बुक, राइट, तो ये एक कॉमन वर्ड है, किताबुन एक कॉमन वर्ड है। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक बुक को रेफर कर रही हूँ तो मैं कहूँगी द बुक इंग्लिश में, राइट, द बुक। सो द बुक जो है वो प्रॉपर बुक की तरफ रेफर कर रही है। सो अगेन किस्म जो है वो दो तरह की हो सकती है, अल्फाज जो हैं वो अरबी में दो तरह के हो सकते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम कि हर इस्म की चार खसूसियात होती हैं, कौन कौन सी, एराब, अदद, जिन्स एंड किस्म। एराब से क्या मुराद है, दो पेश, दो जबर और दो जेर, ठीक है, एंड ऑफ अ वर्ड, ये हमें इराब बताते हैं, और ये क्यों होता है ये इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। फिर अदद, अदद जो है वो अरेबिक में इसम जो है वो हम जब नंबर की बारी आती है तो वो तीन तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर होगा, फिर ड्यूल होगा, और फिर प्लूरल होगा। जींस में हम बात करेंगे कि अरेबिक में वर्ड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं या फेमिनिन होते हैं। किस्म जो टाइप उसकी एक किस्म की टाइप हो सकती है, और वो टाइप जो है वो कॉमन हो सकती है या प्रॉपर हो सकती है। सो सॉरी। तो ये जो है वो हमने देखा कि हर इस्म की कितनी खसूसियात हैं, चार खसूसियात हैं, इराब, अदद, जींस एंड किस्म, और ये सब आपको मेमोराइज करना है इंशाल्लाह। ओके, अब हम उसकी इराबी हालत, इराब को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर और दो जेर होते हैं, मीनिंग उसके सेम होते हैं, किताबुन, किताबन एंड किताबिन। हम स्टिल ट्रांसलेशन उसके कर रहे हैं आबुक, लेकिन ये क्यों कहीं पे दो पेश हैं, कहीं पे दो जबर हैं और कहीं दो जेर हैं, इसकी क्या रीजन होती है, तो ये हम अब इसके बारे में बात करेंगे। इस्म की इराबी हालत, मीनिंग उसका स्टेटस, हमें ये बताता है कि ये इस्म जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। अगेन इराबी हालत या इराब हमें क्या बताता है कि ये इस्म जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है। सो स्टेटस टेल्स अस व्हाट रोल एन इस्म इज प्लेइंग इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल,
सेंटेंस में एक डूअर भी हो सकता है, काम करने वाला भी हो सकता है, राइट? और फिर सेंटेंस में ये भी हो सकता है कि ये काम क्यों हो, काम करने वाले ने ये क्यों किया, कैसे किया, राइट? कब किया, कहाँ पे किया, ये सब जो है वो ये भी हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर. तो इज इट अ डूअर ऑफ द एक्शन? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ के नसारा खालिदुन, नसारा खालिदुन, खालिद ने मदद की, तो अब खालिद कौन है? काम करने वाला, राइट? खालिद ने मदद की, तो खालिद जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है. जब वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा तो तब उसकी स्टेटस जो है वो एक डिफरेंट होगा. अगर वो एक डिटेल है, अगर मैं कहूँ कि खालिद ने मेरी मस्जिद में मदद की, तो अब वो उसने खालिद ने मदद की, ठीक है, खालिद अब मदद करने वाला कौन है? खालिद है, तो वो हम डूअर हो गया, और डूअर को जो है वो उनकी साउंड से हम जो है वो समझेंगे. और उसने मेरी मदद कहाँ पे की? उसने मस्जिद में मेरी मदद की, तो ये कहाँ का जवाब मुझे मिल रहा है, राइट? तो ये डिटेल है, और डिटेल जो है वो क्या होगी? उसके ऊपर दो जबर होंगे, ठीक है. और फिर सम टाइम क्या होता है कि कोई इसम जो है वो किसी मलकियत को शो कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, राइट? मैं कहूँ ये मेरा घर है, तो अब ये मेरा घर जो है, मेरा वर्ड जो है वो एक मलकियत को शो कर रहा है, तो उसका क्या स्टेटस होगा? वो दो जेर होंगे. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, के स्टेटस हमें बताता है कि एक इसम जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर. क्या वो काम करने वाला है? काम करने वाला है तो उसका स्टेटस डिफरेंट होगा, उसकी उन साउंड होगी. अगर वो डिटेल है, ठीक है, अगर वो हमें जवाब दे रहा है, बता रहा है कि काम किसने, काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, राइट? तो ये डिटेल होगी, और इसको जो है वो दो जबर, या जस्ट आप रिमेम्बर के इसको फतहा जो है वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है डिटेल को. और पोजेशन मलकियत को क्या शो करता है? कसरा जो है वो मलकियत को शो करेगा. सो अभी मजीद हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ स्टेटस या इराब जो हैं वो हमने कहा तीन तरह के हैं. अब इनका नाम मैं बता रही हूँ. पहले हमने सिर्फ ये दो पेश, दो जबर और दो जेर उसको कहा, राइट? अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी क्या टर्म है, इनको क्या नाम इनको हम दे सकते हैं. तो इसम की इराबी हालत तीन तरह की होती है. अब बहुत सारी चीजें हम देखें सीख रहे हैं. सबसे पहले हमने सीखा कि जो है वो अरबी में अल्फाज तीन किस्म के होते हैं, राइट? कौन कौन से? इस्मुन, फेलुन, हर्फुन. फिर हमने सीखा कि इसम की चार खसूसियात होती हैं. कौन कौन सी? इराब, अदद, जिन्स एंड किस्म, राइट? और अब हम तीसरी चीज सीख रहे हैं कि इराब जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है? इराब कितनी तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं. कौन कौन से? रफा, नसब एंड जर. क्या नाम है इनके? रफा, नसब एंड जर. लेट्स से थ्री टाइम्स. इराबी हालत, इसम की इराबी हालत तीन तरह की हो सकती है. कौन कौन सी? नंबर वन रफा, नंबर टू नसब, नंबर थ्री जर. ठीक है, रफा, नसब, जर. रफा, नसब, जर. नाउ रफा क्या है? रफा बेसिकली सब्जेक्ट, मेन टॉपिक और डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रफा. और कौन सी साउंड उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे? दो पेश या एक पेश, ठीक है. सो बेसिकली पेश की साउंड को हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? डूअर के साथ. और डूअर
भी हो सकता है या समटाइम्स काम करने वाला नहीं है, जस्ट एक सिंपल सेंटेंस है, तो वो मेन टॉपिक या सब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने कहा नासारा खालिदुन, खालिद हेल्प्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें काम कौन सा है, नासारा का काम हेल्प करने का काम हुआ है, किसने किया है वो काम? खालिदुन, खालिद ने किया है, ठीक है, वो डूअर है इसका, इस काम का, और देख रहे हैं वो डूअर है, इसी वजह से खालिदुन। अगर मैं कहूं इसको, अगर मैं खालिदन कर दूं, तो आपको पता है ये सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको कह दूं नासारा खालिदन, अब मैंने आपको बताया, देखें एक तो पहली चीज नोट करें कि मैंने दो फतहा जैसे ही इसके ऊपर डाले, मैंने साथ में अलिफ ऐड किया, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब सेकंडली मैंने आपको बताया कि खालिदुन, ये उन साउंड जो है वो किससे एसोसिएट हम कर रहे हैं, डूअर से एसोसिएट कर रहे हैं, और ये दन साउंड जो है वो हम नसब से एसोसिएट कर रहे हैं, और इसका मतलब है डिटेल, राइट? सो डिटेल का मतलब है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, राइट? किस तो ये, अब मैं अगर कहूँ नासारा खालिदन, पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? He helped Khalid. किसने हेल्प की है? इसके अंदर जो ही है ना, उसने हेल्प की है। नाउ उसका डूअर जो है वो यहाँ पे नासारा के अंदर है, और खालिदन अब डिटेल बन गया, किसी ने, नासारा द पर्सन जो यहाँ पे ही है, मैं किसी की तरफ को बता रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ कि इस पर्सन ने खालिद की मदद की, राइट? तो अब ये खालिदन जो मैंने सिर्फ उसका यहाँ पे दो हरे का चेंज करने की वजह से क्या बन गया, ये खालिदन अब डूअर नहीं रहा, बल्कि ये डिटेल बन गया, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, नसब क्या होता है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है या डिटेल ऑफ द एक्शन है, लाइक आई सेड। अब हमने, मैंने इसको जब नासारा खालिदन कर दिया, तो इसका ट्रांसलेशन हो गई ही हेल्प्ड खालिद। अब आप मुझे अपना हेड स्क्रैच कर रहे होंगे कि नासारा खालिदन, यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं ही हेल्प्ड, और यहाँ पे हमने कहा था नासारा, सेम वही वर्ड है, और उसमें हम खालिदुन हम कह रहे हैं कि खालिद ने हेल्प की। तो इंशाल्लाह ये जब हम सर्व सीखेंगे, जब हम फेल सीखेंगे, नॉट इवन सर्व, जब हम फेल सीखेंगे, अभी हम सिर्फ इसम सीख रहे हैं, तो तब इंशाल्लाह ये चीज क्लियर होगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अभी जो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट कॉन्सेप्ट, और इसकी डिटेल में नहीं हम अभी जा सकते क्योंकि वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ थर्ड वन हम कह रहे हैं जर, ठीक है। जर क्या होगा? जर किस चीज को शो करता है? मलकियत को, पोजेशन को। अब मैं कहती हूँ किताबु खालिदिन, बुक ऑफ खालिद, ठीक है। आपने क्या वर्ड यहाँ पे अब एंड में क्या देखा खालिद के? दो कसरा देखे। अब दो कसरा आपको बता रहे हैं कि ओके, को खालिद कोई चीज जो है वो पोजेस कर रहा है, ठीक है। ये किताब जो है वो किसकी मलकियत है? खालिद की मलकियत है, बुक ऑफ खालिद। ये हम कहेंगे खालिद की किताब, ठीक है। तो जर बेसिकली अगेन पोजेशन को शो करता है, और कौन से वर्ड्स आपको क्लू देंगे कि ये जर हैं? जब हम वर्ड यूज करते हैं मेरी, मेरी किताब, या मेरा घर, राइट, हमारी, उनकी, तुम्हारी, उसकी, ठीक है। ये सब वर्ड्स जो हैं वो पोजेशन को शो कर रहे हैं, और ये जो हैं वो जर, जब हम इनको लिख रहे होंगे तो ये जर जो हैं वो कंसीडर होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वन मोर टाइम के इराब जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? रफा, नसब एंड जर।
जब मैं रफा कहूंगी तो कौन सी साउंड आपके जहन में आएगी, दो पेश या एक पेश? जब मैं नसब कहूंगी तो क्या आपके जहन में आना चाहिए, दो जबर या एक जबर? जब मैं जर कहूंगी तो क्या आपके जहन में आना चाहिए, दो जेर या एक जेर? ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, खालिदुन दो पेश ये रफा है, खालिदन दो जबर ये नसब है, खालिदिन ये जेर है, जर है। ठीक है, अब एक और चीज समझने वाली है यहाँ पे, हम कहते हैं रसूलुन, रसूलुन का मतलब है एक रसूल, लेकिन सम टाइम आप देखो, आप देखेंगे अर रसूलू, ठीक है, ये अर रसूलू क्या है, बेसिकली इसके साथ, इस रसूल के साथ एक अल जो है वो ऐड किया गया और ये इसके, इसको मीनिंग देता है दा के, ठीक है। सो और इसका रूल है कि इसकी वजह से हम इसको तनवीन नहीं दे सकते, हमें एक हरका लेनी होगी, तो इसीलिए आप रसूलुन या अर्रसूलु रसूलन और अर्रसूला रसूलिन और अर्रसूलिन, सॉरी अर्रसूली होना चाहिए था यहाँ पे, ये एक होना चाहिए था अर्रसूली, ठीक है। सो ये जो है इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है वो रफा दो पेश या एक पेश, दो जबर या एक जबर, दो जेर या एक जेर, ठीक है, ये जर होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। अब ये उर्दू में मैंने यहाँ पे डाला है, अगेन इराब की तीन इकसाम हैं, फाइल, मफूल एंड ताल्लुक या मलकियत रखने वाला इसम, ठीक है। फाइल, फेल अंजाम देने वाला यानी काम करने वाला, ठीक है, इसको हम रफा या मरफू कहेंगे, ये दोनों टर्म्स हमें याद होने चाहिए, रफा और मरफू बेसिकली सेम मीनिंग है, ठीक है, कि ये मैं कहूंगी कि ये खालिदुन रफा है और मैं कह सकती हूँ खालिदुन मरफू है, सो वो बेसिकली सेम मीनिंग है उसके, लेकिन आपको ये दोनों टर्म याद रखनी है। सो रफा या मरफू और कौन सी साउंड हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे, दो पेश या एक पेश। फिर मफ़ूल मीनिंग फेल की तफसील, फेल की सॉरी डिटेल बता रहा है, राइट, कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, राइट, ये सब जो है वो फेल उसमें आएगा, नसब और मनसूब इसको हम कहेंगे। और क्या कौन सी साउंड हम इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एक जबर या दो जबर। तीसरा हम कह रहे हैं ताल्लुक या मलकियत रखने वाला इसम, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, जर या मजरूर, और कौन सी साउंड इसके साथ एसोसिएट होंगी, एक कसरा या दो कसरा, एक जेर या दो जेर, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और यहाँ पे देखें कि हम कह रहे हैं किताबुन, जब आपने उन साउंड सुनी तो आप क्या कहेंगे कि ये रफा है, किताबन नसब है, किताबिन जर है, ट्रांसलेशन आप देखेंगे तीनों की आबुक आबुक आबुक, इस्तेमाल देखें आप इसका, जब मैं उसको कह रही हूँ रफा आबुक तो इसका कोई सेंटेंस अगर मुझे इस्तेमाल करना पड़े तो मैं कहूंगी आ स्टोरी बुक इज फन और आ बुक टू रीड इज फन, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इसमें मेन टॉपिक क्या है, ये बुक है और इसलिए हम इसको रफा कह रहे हैं। फिर किताबन नसब की क्या एग्जांपल हो सकती है, अगर मैं कहूँ आई बॉट अ बुक, तो आई बॉट व्हाट, ठीक है, ये मुझे मजीद बता रहा है, मजीद इंफॉर्मेशन। अगर मैं जस्ट कहूँ आई बॉट तो आप पूछेंगे क्या तुमने खरीदा है, राइट, व्हाट डिड यू बाय, तो मैं कहती हूँ अ बुक, तो ये मजीद डिटेल बता रहा है, राइट, तो ये डिटेल है, इसीलिए जब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा तो मैं कौन सा वर्ड किताब के लिए यूज करूंगी, किताबन, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे एज ए डिटेल इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर अगर मैं कहती हूँ
दिस इज माई बुक. नाउ ये जो है वो माई बुक मलकियत शो कर रहा है, राइट. तो अब ये किताबिन होगा यहाँ पे, राइट. सो ये जर में होगा. ओके नाउ एक और एग्जाम्पल देखें. जहाबा, जहाबा का मतलब वेंट, गया. जहाबा जईदुन, आप मुझे बताएं कि क्या इसमें फेल क्या है. मैंने कहा जहाबा गया, ठीक है, वो गया, ये जहाबा है, राइट. अब जईदुन कौन सी साउंड आप देख रहे हैं उनकी, तो ये जईदुन मुझे बता रहा है कि कौन गया, जईद गया, तो ये रफा या मरफू है. जईद गया, या अगर मैं कहूँ नासारा जईदुन, ठीक है, जईदुन. अब ये उन साउंड मुझे बता रही है कि काम करने वाला जईद है, तो मैं कहूंगी कि जईद ने मदद की, ये फाइल है, मरफू हो गया, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल मैं कहती हूँ राअइतु ज़ैदन, सेम वर्ड ज़ैद है, राइट, लेकिन अब ये यहाँ पे मंसूब है, तो इसका मतलब है अब ये डिटेल है, ये काम करने वाला नहीं है बल्कि डिटेल है. कैसे, राअइतु का मतलब है मैंने देखा, ये दिस्तु जो है बता रही है, इसमें आई है, अगेन ये फेल है, और जब हम फेल के बारे में सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोनाउन मैं कह रही हूँ वो गया या मैंने देखा, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये फेल, ये तू राई तू, ये ता और उसके ऊपर पेश हमें बता रहा है कि ये आई है. राई तू मैंने देखा, मैंने देखा किसको, जईद को, ठीक है, तो जईदन ये नसब हो गया, डिटेल हो गई. फिर मैं कहती हूँ हाजा किताबु जईदिन, ये जईद की किताब है, ठीक है. अब देख रहे हैं आप जईद जो है वो कुछ पोजेस कर रहा है, राइट, समथिंग बिलोंग्स टू जईद, तो इसलिए अब जईद की जो है वो इराबी हालत कौन सी हो गई है, जर हो गई है, ठीक है. तो आई एम होपिंग दैट इट इज मेकिंग सेंस. लेट्स डू सम प्रैक्टिस टुगेदर. अब ये सारी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगेन जो क्वाइट प्लेस पे बैठे हुए हैं लोग, they can raise your hand or you can participate. अच्छा, अब ये है एक उस्ताद कमरा जमात में दाखिल हुआ. अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसमें काम क्या है. क्या दाखिल हुआ काम है, दाखिल हुआ, very good, दाखिल हुआ काम है. अब ये दाखिल होने का काम किसने किया, एक उस्ताद ने, एक उस्ताद ने किया, तो उसका स्टेटस कौन सा होना चाहिए, कौन सा स्टेटस उसका होना चाहिए, काम करने वाला है ये उस्ताद, रफा, वेरी गुड, रफा. और रफा के साथ कौन सा साउंड एसोसिएट कर रहे हैं, कौन सी साउंड एसोसिएट होती है रफा के साथ, उन, 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 उन और उ साउंड, ओके. तो अब ये एक उस्ताद जो है इसको हम रफा, हम अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्या क्या स्टेटस है, आप क्या कहेंगी, इसका स्टेटस रफा है. अब ये उस्ताद कहाँ पे दाखिल हुआ है, कमरा में, कमरा जुमात में, राइट. तो अब इस कमरा जुमात का क्या स्टेटस होगा, नसब, नसब. और कौन सी साउंड हम एसोसिएट करेंगे इससे, जबर और दो जबर या एक जबर, वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, सेकंड एग्जांपल, उसका एक शागिर्द आराम से सो रहा था. अब मुझे ये बताएं काम क्या हुआ इसमें, सो रहा था, सो रहा था, वेरी गुड. अच्छा, और अब अगर मैं आपसे पूछूं उसका क्या क्या ज़हन में आ रहा है, उसका से आपके, आराम से सोना, नहीं, उसका कोई मलकियत शो कर रहा है या पोजेशन,
पोजेशन शो कर रहा है उसका, तो ये पोजेशन शो कर रहा है, ये पोजेशन शो कर रहा है, तो इसका क्या स्टेटस होगा? जर जर होगा. और कौन सी साउंड होगी? जेर या दो जेर, दो जेर या एक जेर. ठीक है. एक शागिर्द, अब ये एक शागिर्द क्या होगा? ये रफा, ये रफा होगा. कैसे रफा है ये? कैसे? क्योंकि कौन सो रहा है? एक शागिर्द सो रहा है, एक शागिर्द सो रहा है. वेरी गुड. तो ये रफा होगा. ठीक है, एक शागिर्द क्या होगा? रफा होगा, क्योंकि ये काम कर रहा है. अब आराम से क्या है? नस डिटेल. वेरी गुड, ये डिटेल है. डिटेल है. और कौन सी साउंड हम एसोसिएट करेंगे इससे, डिटेल से? जबर, दो जबर या एक, दो जबर या एक जबर. वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, नेक्स्ट वन. उस्ताद ने एक पेंसिल फेंकी, काम क्या हुआ इसमें? फेंकी. किसने? उस्ताद ने. तो कौन उस्ताद का स्टेटस क्या बना? रफ, रफा. रफा. काम करने वाला कौन है? उस्ताद है. ठीक है, अब उसने क्या फेंका है? एक पेंसिल. एक पेंसिल. तो क्या स्टेटस होगा एक पेंसिल का? ये जल किस्म. No, एक डिटेल है ये. डिटेल, नसब. डिटेल, नसब है ये, डिटेल है. जी, उस्ताद ने क्या फेंका? एक पेंसिल फेंकी. ओके, सो दिस इज डिटेल. दिस इज डिटेल. और डिटेल के साथ कौन सी साउंड एसोसिएट करेंगे आप? दो जबर, एक जबर. दो जबर, एक जबर. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. उस्ताद का शागिर्द अचानक जाग उठा, काम किया इसमें? जाग उठा. जाग उठा काम है. ठीक है, कौन जाग उठा? शागिर्द. शागिर्द, शागिर्द. तो शागिर्द का क्या स्टेटस होगा? रफा मरफू. वेरी गुड, रफा मरफू. और कौन सी साउंड? दो पेश, दो पेश, दो पेश या एक पेश. वेरी गुड. और उस्ताद का क्या होगा? और जर की साउंड के साथ क्या एसोसिएट करना हमने? दो जेर, एक जेर. वेरी गुड, वेरी गुड. और अचानक क्या होगा? अचानक. डिटेल है ये. डिटेल काम कैसे हुआ? डिटेल. अच्छा, कैसे उठा वो अचानक? अचानक. ये नसब है. तो अगेन इसको हम एसोसिएट करेंगे दो जबर या एक जबर. दो जबर और एक. वेरी गुड, ब्यूटीफुली डन. सुभान अल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस. ओके, नाउ यहाँ पे अगेन इंग्लिश में मैंने फोर प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पोस्टर में डाला हुआ है. जो लोग इंग्लिश को ज्यादा अच्छे इजी उनको लगता है तो वो ये यहाँ से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, नाउ आप सबको पता है कि मैं उस्ताद आसिफ मेहर अली की शागिर्द हूँ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और उनकी एक रवायत है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सॉन्ग बना के सिंग करते हैं. ठीक है, तो ये उनका इंग्लिश का एक सॉन्ग है जो उन्होंने यूट्यूब पे भी आप फाइंड कर सकते हैं. ये उनका सॉन्ग जो है वो हमेशा मैं अपनी क्लासेस में सिंग करती हूँ. इवन दो आई नो कि मैं एक बहुत ही बैड सिंगर हूँ. ठीक है, मैंने कभी नहीं सिंग किया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक के मे बी ये सॉन्ग जो है वो आप लोगों को हेल्प कर दे ये कॉन्सेप्ट सीखने में, और मैं भी अल्लाह ताला जो है ना वो मुझसे मैं भी इसी वजह से खुश हो जाएं कि मैंने किसी कोई आसानी आप लोगों के लिए पैदा की. तो मैं भी कोशिश करती हूँ सिंग करने की. अभी तो बोल बोल के मेरा गला वैसे ही बहुत ख़राब हो गया और मैं वैसे ही बहुत बैड सिंगर हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा. और आई एम वेरी माजरत के साथ आप लोगों को मैं ये
ये जो जरा सिंग करने लगी हूँ. ओके सो लेट्स डू इट. ये सॉन्ग क्या है बेसिकली, ये हमें बता रहा है कि मरफू को हम किस साउंड से एसोसिएट करेंगे, मंसूब को हम किस से एसोसिएट करेंगे और मजरूर को हम किस से एसोसिएट करेंगे. तो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू सिंग. व्हेन आई से दुन इट्स मरफू, व्हेन आई से दन इट्स मंसूब, व्हेन आई से दुन इट्स मरफू, व्हेन आई से दन इट्स मंसूब, व्हेन आई से दिन इट्स मजरूर, सो दुन दुन दन दन दिन दिन, दुन दुन दन दन दिन दिन, दुन दुन दन दन दिन दिन. सो अगेन मस्जिदुन मरफू, मस्जिदन मंसूब एंड मस्जिदिन मजरूर. ओके आप लोग उनको जरूर सुनिएगा, उनका बहुत ब्यूटीफुली स्वीटली जो है ना वो ये सिंग करते हैं. मैं तो बिल्कुल जो है ना वो जो कहते हैं ना फटाफट ढोल उसकी तरह से, लेकिन आई एम नॉट गोना गिव अप. ओके अब यहाँ पे एक और मैंने छोटी सी कोशिश की है, मैंने इसी सॉन्ग को उर्दू में लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है और इसको फिर मैंने जो है ना वो अब काइंड ऑफ मैं इसको आपके सामने सिंग करती हूँ. तो मे बी दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू गाइज. सो दिस इज हाउ इट विल गो. इराबी हालत रफा नसब एंड जर. जब मैं बोलूं दुन लाइक मस्जिदुन, तो ये है मरफू, हाँ ये है फायल. जब मैं बोलूं दुन लाइक मस्जिदुन, तो ये है मरफू, हाँ ये है फायल. जब मैं बोलूं दन लाइक मस्जिदन, तो ये है मंसूब, हाँ ये है डिटेल. जब मैं बोलूं दिन लाइक मस्जिदिन, तो ये है मजरूर, हाँ ये है मजरूर. सो याद रखें दुन दुन दन दन दिन दिन, दुन दुन दन दन दिन दिन, दुन दुन दन दन दिन दिन, ये है मरफू मंसूब और मजरूर की कहानी. सो अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज फॉरगिव मी. ओके ओके नाउ होमवर्क, माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस. होमवर्क आप लोगों को पता है कि मेरा मेरी क्लासेस में मस्ट होता है. आई डोंट केयर हाउ बिजी यू आर, ठीक है. आई डोंट केयर कितने आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है. आई डोंट केयर हाउ ओल्ड आर यू. अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है एज ए स्टूडेंट, तो आपको ये होमवर्क करना है. अगर नहीं करेंगे तो वट आई कैन डू, आप मे बी जस्ट रिमूव यू गाइज फ्रॉम द ग्रुप. आई विल सी मे बी 3-4 क्लासेस. अगर 3-4 क्लासेस में आपने नहीं अपना सॉरी होमवर्क नहीं सबमिट किया, और ये होमवर्क सबमिशन स्टडी ग्रुप्स में होंगे, तो ग्रुप लीडर विल लेट मी नो, ठीक है. अगर 4 क्लासेस हो गई हैं और आपने अभी तक एक लेसन के भी होमवर्क जो है वो सबमिट नहीं किया, तो यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप, बिकॉज दैट शोज मी दैट यू आर नॉन सीरियस. ओके सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट द होमवर्क इज इन माई आईज. अब ये होमवर्क क्या है इसको जल्दी से देख लेते हैं.
आपने जस्ट इजी होमवर्क है, आपने इन सवालात के जवाब दे देने हैं। अरबी में अल्फाज की कितनी अकसाम है, इसम की तारीफ बयान करें मिसालों के साथ, तो आपने मिसालें दे के इसम की को डिफाइन करना है। फेल किया है इसकी वजाहत करें, हर्फ किया है इसकी वजाहत करें, इसम की कितनी खसूसियात हैं जो हमने सीखी, चार खसूसियात हैं। इराबी हालत से क्या मुराद है और ये कितने किस्म का है, तो इराबी हालत हमें हमें बताती है कि ओके समवन इज इसम इज डूअर और डिटेल और मलकियत शो कर रहा है, और ये तीन किस्म की होती है रफा नसब एंड जर, राइट। ये आपने एक्सप्लेन करना है इसको। फिर है मदद मदरजा ज़ैल, इसम की रफा नसब और जर हालत लिखें। अब की ताबून, लेट्स डू वन, तो आप मुझे पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसम की रफा नसब और जर आपने बताना है। अगर मैं आपको वर्ड देती हूँ किताबून, सॉरी किताब, तो इसकी रफा नसब और जर आप कैसे बनाएंगे? समन प्लीज जबर पेश और ज़ैल लगा के। नहीं, मुझे पूरा वर्ड बोल के बताएं। ओके, हम ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या कहेंगे? किताबन, ठीक है, किताबन। और जब आप किताबन करेंगे क्या करना होगा? एक काम आपको करना है, अलिफ अलिफ जॉइन करना, अलिफ ऐड करना है, वेरी गुड। और थर्ड वन इज किताबिन, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप उसको, और साथ में आपने लिखना है कि दिस इज रफा, दिस इज नसब और दिस इज जर, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई थिंक मैंने ये यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप लिखेंगे रसूलुन, ये एग्जांपल मैंने दिया रसूलन एंड रसूलिन, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये रफा है, नसब है, जर है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जब मैं रफा कह रही हूँ तो ये क्या मतलब है कि ये फाइल है या सब्जेक्ट है, और अगर नसब मैं कह रही हूँ तो ये डिटेल है, और अगर मैं जर कह रही हूँ तो ये दिस इज मलकियत या ओनरशिप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। फिर नंबर एट है मदरजा ज़ैल की इराबी हालत बताएं। ये इजी है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपने जस्ट ये बताना है। रसूलन की इराबी हालत क्या है? नसब, नसब, और आपने जस्ट उसके साथ लिख देना कि दिस इज अ डिटेल, ठीक है। तो दैट्स ऑल इंशाल्लाह, दैट अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स ऑल। और वी हैव इन होमवर्क इन इंग्लिश एज वेल, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विद दैट इंशाल्लाह हमारा सेशन एंड होता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफानी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك